नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की दिन भर की 100 बड़ी खबरों से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को प्रयागराज की महापौर ने सौंपी शहर की चाबी, काफिला हाईकोर्ट पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निभाया वादा, शिलान्यास के बाद अब डिफेंस यूपी कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन। बरेली SSP को पत्नी ने बताई सिपाही की करतूत, बोली पति विधवा से कर रहा दूसरी शादी। वाराणसी में त्रिकुंड लोलार्क षष्ठी स्नान स्थगित, अघोर पीठ में लाखों श्रद्धालुओं की होती है उपस्थिति। पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने वाले अमरनाथ ही कानपुर में लगती थी पाठशाला। रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन पर सरकारी कब्जा होने के बाद छात्रों की पढ़ाई पर नहीं होगा असर। यूपी में 15 सितंबर से शुरू होगा गड्ढा मुक्त अभियान, मुख्यमंत्री ने दिए सड़कों की मरम्मत के कड़े निर्देश। बाराबंकी में ओवैसी की सभा में राष्ट्रध्वज का अपमान, AIMIM अध्यक्ष पर दर्ज मुकदमे में बढ़ाई गई धारा। यूपी विधानसभा चुनाव की आहट के बीच अपना दल में एका की कोशिशें, अनुप्रिया पटेल ने मां कृष्णा पटेल को दिए कई प्रस्ताव। आजम खान की जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने की। रायबरेली में राजनीतिक विरासत सहेजने की फिक्र में आ रही प्रियंका, विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देंगी धार। लखीमपुर में दुधवा नेशनल पार्क के बीच पहुंचा विस्टा डोम कोच, पर्यटकों को जल्द मिलेंगे बेहतरीन नजारे। गोरखपुर के गीडा में खुलेगा प्रदेश का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मिलेगी विशेष छूट, 10 यात्राओं पर नहीं देना पड़ेगा एक भी टोल टैक्स। जदयू महासचिव अभय कुशवाहा को नई जिम्मेदारी, बने केंद्रीय मंत्री RCP के APS। बिहार में दो बड़े नेताओं की बरसी चर्चा में, प्रस्थान के साल भर बाद स्मृतियों के जुटान। जदयू के पूर्व सांसद महाकाशा परवीन ने सदानंद सिंह को बताया पिता तुल्य, कहलगांव पहुंचा अर्पित की श्रद्धांजलि। उपेंद्र कुशवाहा आज खगड़िया में चांदी का मुकुट पहना कर किया जाएगा भव्य स्वागत। जल्दी होगी बिहार कांग्रेस की नई टीम की घोषणा, भक्त चरण दास ने लखीसराय से। PM नरेंद्र मोदी के सपने को दरभंगा एयरपोर्ट ने दी उड़ान, अनूठे रिकॉर्ड से बना बिहार की शान। आगरा में देर रात साड़ी और सूट की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। अनियंत्रित रोडवेज बस मीनाक्षी पुल के डिवाइडर पर चढ़ी, गंभीर हादसा टला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को प्रयागराज की महापौर ने सौंपी शहर की चाबी, काफिला हाईकोर्ट पहुंचा। बरेली में ऊर्जा मंत्री ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना, बोले दूसरी सरकारें अगर सोचती तो अंधेरे में नहीं रहते 4.5 करोड़ लोग। किसानों की समस्याओं व फसलों के समर्थन मूल्य पर चर्चा। हिमायूपुर में झोला छापों के 8 ठिकाने सील। बोले सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम, केंद्र की गलत नीतियों से बर्बाद हो रहे किसान। अब रंगदारी मांगने वाले बदमाश की KYC टेस्ट कराएगी गोरखपुर पुलिस। देवरिया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। कुशीनगर एयरपोर्ट के लिए 334 किसानों ने दी भूमि, ILS सिस्टम लगाने के लिए चाहिए और जमीन। ग्रामीणों ने अपनी सुविधा के लिए 4 लेन पर 70 किलोमीटर में 100 स्थानों पर काट दिए डिवाइडर, बढ़ गए हादसे। पीएम मोदी बोले दुनिया के देश जहां पिछड़ गए वहीं भारत आगे बढ़ रहा है। करनाल लघु सचिवालय में किसान धरना समाप्त, लाठीचार्ज की न्याय की जांच,
एसडीएम आयुष सिन्हा छुट्टी पर। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 वार्ता जारी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल। बिना काबू आ पाक तालिबान और अन्य आतंकवादियों का पनागा बना, एक और सच्चाई आई सामने। राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी, यूपी बिहार में गरजेंगे बादल। अब मार्च 2022 तक मिलेगा बेरोजगार भत्ता, कोविड में नौकरी जाने पर दे रही है सरकार। सिख नेता त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या में मिले अहम सुराग। विराट कोहली और रोहित शर्मा को दिग्गज की सलाह, जैसे सचिन और गांगुली की जोड़ी ने किया करे वो काम। तालिबान का समर्थन करने वाले देशों पर भड़के जावेद अख्तर, लताड़ लगाते हुए बोले कितने शर्म की बात है। देश में कोरोना के 33,000 से अधिक नए मामले, अकेले केरल से 25,000 केस। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में 18 महीने बाद अब ले सकेंगे भगवान शिव की भस्म आरती का आनंद। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 4.5 रही तीव्रता। अफगान में तालिबान की सत्ता कायम होने के बाद से वैश्विक आतंकवाद का संकट गहराया। 25 भारतीय आईएस समर्थकों के अफगानिस्तान से देश में पहुंचने का अंदेशा, जारी किया गया अलर्ट। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली 2+2 वार्ता आज, दोनों देशों के रक्षा व विदेश मंत्रियों की होगी बैठक। तालिबान का उदय, भारत और क्षेत्र के लिए सुरक्षा की बड़ी चिंता, यह कहना है राजनाथ का। राजकुंद्रा के बिना शिल्पा शेट्टी के घर विराजे गणपति बाप्पा, वीडियो शेयर कर बोली गन्नू राजा साथ हैं तो हर संकट की मात है। रिलीज होते ही विवादों में फंसी कंगना रनौत की थलाई भी, AIA DMK ने जताई कुछ सीन पर आपत्ति। वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के लिए ये हैं दावेदार, उम्मीदवार को जिताने के लिए अभी वोट करें। हनीमून पर पति संग रोमांटिक हुई रिया कपूर, बिकनी के बाद पहनी इतनी हॉट ड्रेस। नहीं है जिम जाने की जरूरत, इन मोबाइल ऐप के जरिए घर पर रहकर करें एक्सरसाइज। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 वार्ता जारी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल। पीएम मोदी ने शिकागो में स्वामी विवेकानंद के भाषण को किया याद, नुआखाई जुहार पर लोगों को दी बधाई। रूस ने अमेरिकी कंपनियों पर लगाया चुनावों में हस्तक्षेप का आरोप, राजदूत जॉन सुलिवन को भेजा समन। दुनिया में अब तक कोरोना के 22 करोड़ से अधिक मामले आए सामने, 5 अरब से ज्यादा लगी वैक्सीन। बाइडेन ने 9/11 हमलों के पीड़ितों को किया याद, किया एकता का आह्वान। 2 दशक बाद भी उस खौफनाक मंजर को नहीं भूल सका है अमेरिका। ऑफिशियल लॉन्च से पहले इन्फिनिक्स हॉट 11S के सभी स्पेसिफिकेशन हुई लीक, जाने यहाँ। पाकिस्तानी पत्रकारों ने PGM कानून को किया खारिज, बताया मौलिक अधिकारों के खिलाफ। अमिताभ बच्चन के नातिन नव्या नवेली, नंदा ने खुशी कपूर के साथ जमकर की पार्टी। दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ की फोटो वायरल, शर्त लगा लीजिए पहचान नहीं पाएंगे आप। तालिबान का समर्थन करने वाले देशों पर भड़के जावेद अख्तर, लताड़ लगाते हुए बोले कितने शर्म की बात। थोड़ा हंसाते हैं लेकिन डरा नहीं पाते, सैफ अली खान की भूत पुलिस। गोविंदा और सुनीता संग झगड़ों की खबर के बीच अब कृष्णा अभिषेक ने तोड़ी चुप्पी। 10 दिन में शाहपुर में सड़क का मरम्मत कार्य शुरू नहीं हुआ तो होगा क्रमिक अनशन, ये कहना है NSUI का। सड़क हादसे में भाजपा विधायक समेत 7 घायल, मंदिर से वापस आ रहे सुरेंद्र शौरी। मनाली ले मार्ग पर बिछी बर्फ की चादर, पर्यटकों की मस्ती पर जोखिम भी बढ़ा। जलोड़ी दर्रे के पास एक ट्रक पलटा, राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही ठप। अब इन शहरों में भी मिलेगा बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर, देता है जबरदस्त रेंज। ट्रेंड में है सनरूफ वाली ये सस्ती कारें,
आपके बजट में आसानी से हो जाएंगी फिट। अब कुछ महीनों के लिए बन सकते हैं कार के मालिक, बस चुकाना पड़ेगा मंथली चार्ज। अचानक ब्रेक लगाते ही सटाक से स्लिप होगी बाइक, इनमें मिलता है ABS फीचर। भारत में लॉन्च को तैयार है 7-सीटर SUV, कीमत और पावर में ही देंगी सफायर और एल्केजर को टक्कर। टीवीएस अपाचे RTR 200 4V अब नेपाल में हुई लॉन्च, जाने कितनी कीमत होगी इसकी। वोल्क्सवैगन की कारें बिना खरीदे ही ले जा सकते हैं घर, कंपनी ने शुरू किया सब्सक्रिप्शन प्लान। दिल्ली में आपकी राष्ट्रीय परिषद की बैठक, सीएम केजरीवाल ने कहा पद मांगने की इच्छा ना करे कार्यकर्ता। नामित सदस्यों के लिए दूसरी वरीयता के मतों की होगी गिनती, यह कहना है जीके का। यमुना का किनारा और शानदार प्रस्तुति ने बांधा समा, सीएम ने बच्चों को कहा गणेश से सीखिए। सीएम मनोहर लाल एवं गृह मंत्री अनिल विज को लेकर ये क्या कह गए किसान नेता राकेश टिकैत। शरद बादल ने निदेशक पर लगाया पक्षपात का आरोप, पीएम के पास पहुंची शिकायत। पाइए बेहतर ब्याज के साथ टैक्स बेनिफिट, जाने क्या है यह सरकारी स्कीम। इंग्लैंड क्रिकेट का बयान, कोरोना की वजह से नहीं रद्द हुआ मैनचेस्टर टेस्ट, कुछ और है वजह। फोर्ड इको स्पोर्ट की भारत के बाद अब इस देश से भी होगी छुट्टी, सामने आई ये जानकारी। चीन पर एक और सख्त प्रहार, भारत ने इन उत्पादों में ड्यूटी लगाने की सिफारिश की। नोरा फतेही ने ट्यूब रैलेट और शॉर्ट्स में किया वर्कआउट, एक्ट्रेस का टोंड फिगर देख हटकी फैंस की नजरें। राजस्थान सरकार इंजीनियरिंग मेडिकल सहित अन्य प्रवेश परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग दे रही मौका, चेक करें डिटेल। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट PG परीक्षा शुरू, करीब 2 लाख स्टूडेंट्स के शामिल होने की संभावना। जानिए भगवान गणेश को कौन से फूल प्रिय हैं और कौन से अप्रिय। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल चिकित्सा क्लिनिक शुरू किया गया। जातीय जनगणना, पिछड़ी जातियों के समग्र विकास के लिए उनकी सही संख्या का पता होना आवश्यक। इंग्लैंड ने 2008 मुंबई टेरर अटैक के बाद क्या किया था, भारतीय क्रिकेट को वो नहीं भूलना चाहिए, यह कहना है गावस्कर का। दिग्गज कपिल देव ने जवाब दिया, कहा हार्दिक पांड्या मेरे जैसे ऑलराउंडर नहीं है। सैफ अली खान ने करिश्मा कपूर को दिया खास तोहफा, अभिनेत्री ने तस्वीर शेयर कर कहा शुक्रिया। आखिर कौन है सुब्रमण्यम, पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भी लिया था उनका नाम, सुनाई थी उनकी कविता। टाटा पंच SUV में मिलेगा महंगी कारों वाला यह फीचर, टीजर जारी कर कंपनी ने दी जानकारी। चांद की गुथियां सुलझा रखा के चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर, खींची चांद के अब तक की सबसे अच्छी तस्वीर। तालिबान के साथ खड़े हैं दिग्विजय सिंह, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला, यह कहना है केंद्रीय मंत्री का। मोटापा से लेकर मधुमेह तक इन बीमारियों से रामबाण दवा है पोलियो डाइट। आंखों की रोशनी और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रोजाना पिए कीवी का जूस, जानिए आने फायदे। तो अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।